सो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का न्यू अपडेट, जो कि लास्ट तौर पे कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, कौन सा कार्य बाकी हुआ है ये भी हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जानते हैं चल के, जो कि ये लखनऊ की तरफ हम चल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो दोस्तों, दोनों साइड देखेंगे दाहिने बाएं, डिवाइडर का कार्य भी पूरे तरीके से पूर्ण नहीं किया गया है, जो कि लाइट का कार्य पूरा कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अभी यहाँ पर डामर का काम नहीं हुआ, जो कि नीचे आप देखेंगे। और यहाँ से आप और आगे जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से डिवाइडर का कार्य आधा अधूरा रह गया है और डामर का काम भी थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी सारा कार्य पूरा कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्यों नहीं पूरा किया गया है, क्योंकि दोस्तों पुल का कार्य अभी चल रहा था, तो पुल का कार्य जब समाप्त हो गया तो इसे पूरा कर दिया जाएगा। अब इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपको सारा कंप्लीट मिलेगा, डिवाइडर का कार्य और व्हाइट पट्टी येलो पट्टी का कार्य आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा कार्य कर दिया गया है, जो कि लाइन मैर का भी कार्य कर दिया गया है, जो कि यहाँ साइड पे लाइट लगी रहती है और उधर वो सारा काम कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कुछ खास चीज़ें होती हैं, जो कि बीच में डिवाइडर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दोस्तों सामने की जब रात के समय हम नाइट के समय ट्रक से या चार चक्का से फोर व्हीलर से हम चलते हैं, लाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि फोर व्हीलर हुआ या ट्रक हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हुआ, जो कि मालगाड़ी जैसे अनेक प्रकार की गाड़ी चलती रहती है इसमें फोर व्हीलर, तो उसमें लाइट का जो प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। उससे हमारे आँख पे बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जो कि आँख पे वो रोशनी पड़ती है तो हम लोग को एक दो सेकेंड दिखाई नहीं पड़ती है। आप लोग कभी बाइक ड्राइविंग करें और रात के समय तो आप लोग को ये भी अनजानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसीलिए जो है ये डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि दाहिने साइड से आप जा सकते हैं, बाएं साइड से आप आ जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रफ्तार भी लगा दिया गया 80-100, जो कि यहाँ पर फोर व्हीलर और ट्रक मालगाड़ी जैसे ये कितने स्पीड में चल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी देखेंगे आप लोग, पुल का कार्य नहीं किया गया है अभी और डामर का कार्य, तो यहाँ पर भी साफ सफाई की जा रही है, जो कि येलो पट्टी का प्रयोग इस पर किया जाएगा और जो है व्हाइट पट्टी का, और यहाँ पर लाइन मैर का भी काम किया जाएगा, जो कि ये लाइट जो साइड में लगता है व्हाइट ब्लैक पट्टी, इससे कोहरे में हमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है, हमें उधर नहीं जाना है, ये व्हाइट पट्टी जो है साफ ही नज़र आ जाता है कि हमें उधर लाइन को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो हमारे लिए खतरा है, तो इसीलिए कर दिया जाता है। जो कि पीला पट्टी जो है, हम जाते हैं दाहिने साइड से या बाएं साइड से जाते हैं, तो वहाँ पर पीले पट्टी के बगल जो है एक फोर व्हीलर खड़ा करने की जगह छोड़ दी जाती है। क्यों छोड़ दी जाती है, अगर हम उस साइड से चलते हैं तो हमारे जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, हमारे लिए खतरा है, वो खतरा का भी निशान का प्रतीक बनता है। जो कि दोस्तों यहाँ से आप लोग देखेंगे, इस पुल का कार्य भी पूरा तरीके से नहीं किया गया है, जो कि गांव के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इधर से नीचे की तरफ से आ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं टू व्हीलर आ जा रहा है, साइकिल हुआ पैदल हुआ आराम से आ जा सकते हैं इधर से। तो ये दोस्तों पुल है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पर देखेंगे डामर का काम इस पर किया जाएगा, जो कि चल रहा है, आगे सामने देख सकते हैं इसे पूरा किया जाएगा। यहाँ पर ऊपर लाइट का, ऊपर की तरफ देखेंगे तो लाइट का प्रयोग किया गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर लाइट लग गया है, रात के समय चलता है। कभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई रात का वीडियो बनाओ, तो हम तो रात का भी वीडियो बना देंगे आपके लिए, तो आपको वो भी पसंद आएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ ज़्यादा खासियत है। और नाइट का प्रयोग है, जो कि वहाँ पर लाइट का आपको, जो कि यहाँ से सीधे देखेंगे तो यहाँ पर हर 10 फुट पे जो है एक लाइट का प्रयोग किया जाएगा, जो कि अभी इस समय नहीं किया गया है, उसे लगाया जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे नाइट के समय बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तो लाइट का प्रयोग करना होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे मशीन है, जो कि प्रयोग में लगाए गए हैं, डामर का कार्य करते हैं, ये वाला मशीन भी देख सकते हैं आप लोग, ये डामर का काम करता है, जो कि ये डामर को बिछाता है गिट्टी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर येलो पट्टी का
यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है जो कि 10 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी कार्य नहीं हुआ, जो कि आप देख सकते हैं येलो पट्टी व्हाइट पट्टी कुछ पट्टी का कार्य नहीं किया गया है, जो कि पट्टी के कार्य भी कर दिया जाता लेकिन इसलिए नहीं किया गया। अभी ये पुल लंबा है जो कि यहाँ पर 200 मीटर का ये पुल है जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पूरे वीडियो में। हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं, पूरे वीडियो आप लोग देखेंगे सामने, ये 200-300 मीटर के आसपास में है जो कि अभी कार्य नहीं हुआ। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को शेयर भी करना और लाइक करना।